आप लोग अपने बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ पर आप लोग का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस टॉपिक से रिलेटेड हो रहा है और आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं और आपकी फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, हम तो यहाँ पे जामिया में टर्किश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। हम थर्ड ईयर, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं सेकेंड ईयर का। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है अभी हमारे यहाँ ये इशू ये है कि हमारा कॉलेज जो है 16 तारीख से शुरू हुआ है, 16 जुलाई से। अब तक मतलब 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अब तक टीचर्स नहीं आए हैं और हम लोग जो है बार बार डीन ऑफिस गए, रजिस्ट्रार ऑफिस हम लोग जाए गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और डीन ऑफिस गए, सॉरी DSW ऑफिस गए। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, वहाँ से पे डायलॉग हुई, उनसे बातचीत हुई। तो हमेशा हम लोगों को उन लोगों ने भरोसा देता रहा कि कल से या मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट मंडे से क्लासेस होंगी आपकी। तो आज सिचुएशन ये यहाँ पहुँच गए हैं कि हम लोग कि हमारे टीचर अब तक आए नहीं है और हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कहीं हमारा जीरो सेमेस्टर ना हो जाए। जीरो सेमेस्टर हो जाने के बाद हमारा जो है, जो हमको डिग्री जो मिलेगी 4 साल में मिलेगी। अगर 4 साल में डिग्री मिलेगी तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कंपनी वाले पूछेंगे कि 4 साल में आपका डिग्री कंप्लीट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या देंगे हम। चाहे हम जितना भी अच्छा रीज़न दे दें, वो रीज़न मानने को तैयार नहीं, वो सोचेगा कहीं ना कहीं ब्रेक लगा था इसका, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को लगने लगा कि हमारा जो है करियर कहीं दाव पे लग रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर क्या किया कि सोचा कि चलो मजबूरी में आकर के आज हम लोग को फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट के जरिए से हम अपने बात को मनवा सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने डायलॉग के जरिए से बात कर मनाने की कोशिश की थी पर किसी तरह बात बन नहीं पाई, तो हम लोगों ने स्टेप भी उठाया। तो जो टीचर्स जो हैं वो टर्की से आते हैं जी, तो वो क्यों नहीं आए अभी तक और क्या इंडिया में टीचर मौजूद नहीं है जामिया के अंदर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हमारे यहाँ जो है हमेशा से जो टीचर्स आते हैं वो टर्की से आते हैं। इस बार जो हम लोगों को जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से वहाँ टीचर नहीं भेजे जा रहे हैं। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है, और भी कंट्रीज में हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के जरिए से भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं टर्की के, तो पता चला कि और भी कंट्रीज में टीचर्स जा चुके हैं, सिर्फ इंडिया नहीं आए हैं। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जामिया में जो कोर्स चल रहा था, तो एक यहाँ पे प्रोफेसर मोहसिन अली है, ये क्या नाम उसका, पर्शियन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, तो इनको अपॉइंट किया गया था टीचर इस टर्किश डिपार्टमेंट के लिए। तो टर्किश की क्वालिफिकेशन है क्या उनके पास? जी बिल्कुल, वो मास्टर किए हुए हैं टर्किश से। अच्छा अच्छा। तो उसके अलावा कोई दूसरा बंदा था नहीं, तो उसके अलावा भी और भी लोग हैं। तो उन्हें क्यों नहीं मतलब क्लास लगाया गया? ये तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ उनसे ये है, पॉलिटिकल क्या है नहीं है, लड़ाई है क्या नहीं है। अच्छा, तो उस पॉलिटिक्स के इसमें अंडर इसके जो पिसा जो पिसे जा रहे हैं उसके पॉलिटिक्स में, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में हम लोगों के बच्चों के जो करियर खराब हो रहा है, वो मतलब हम लोग जो आज हम लोग टर्किश बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन्हीं का देन है। तो इससे पहले इसका मतलब कि इससे पहले वो क्लासेस लेते थे? बिल्कुल लेते थे। तो कब से उन्हें क्लासेस से हटाया गया? 2016 से हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। तो आज मतलब हमारा जो है थर्ड ईयर में है, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब से हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। पॉलिटिक्स शुरू हुई, पता नहीं पॉलिटिक्स क्या रही नहीं रही, वो टीचर्स का। तो ऐसा क्या रीजन है कि टर्किश के अगेंस्ट इतनी पॉलिटिक्स हो रही है इस कैंपस के अंदर, और आपके क्या मतलब ये है डिपार्टमेंट के ग्रोथ के बारे में बताएं, कैसा चल रहा है, कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से पॉलिटिक्स हो रही है कैंपस के अंदर, क्या डिपार्टमेंट फंक्शन नहीं कर रहा है अच्छे से, सारी चीजें। ये बात तो एडमिशन से बताइए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं, हम लोग उन लोगों की पॉलिटिक्स क्या चल रही है नहीं चल रही है हमको उसके बारे में नहीं पता। हमको टीचर चाहिए, क्योंकि मोहसिन सर हम लोग को अच्छे से पढ़ाते थे और पढ़ाए भी हम लोगों को। आपको बताया जैसे कि हम लोग आज जिस तरह से टर्किश बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो डिपार्टमेंट है टर्किश डिपार्टमेंट, यानी ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में सबसे ग्रोथिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा। क्योंकि यहाँ के बच्चे को जो प्लेसमेंट हो रहा है नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब आज मैं देख रहा हूँ कि जो अरबिक डिपार्टमेंट्स के जो ये हो रहा है प्लेसमेंट, और भी लैंग्वेजेस के जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि 2-2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हार्डली उनका पहुंच पाता है प्लेसमेंट। जबकि हमारा जो है टर्किश डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 10 लाख, 10.5 लाख, बल्कि कुछ लोग तो टर्की गए जो वहाँ पे 22 लाख रुपए पैकेज
ये कर पा रहे हैं। अच्छा, तो इन्हीं इसके अकॉर्डिंग हमारा टर्किश डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मतलब अच्छे कंडीशन में है, मगर जो यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट ने जो बना दिया गया है, टीचर्स नहीं है और जो है क्या नाम उसका क्या नाम डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा किए हुए हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है और जो मास्टर किए हुए हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो अभी आपका डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, मतलब आप लोग किस? हमारा डिपार्टमेंट मतलब ये बहुत ही ज्यादा बताया एडमिनिस्ट्रेशन खेल खेल रहा है हमारे साथ। अच्छा, एक तो ये कि 2016 में जब हम आए थे हमारा डिपार्टमेंट मोहसिन अली जो प्रोफेसर मोहसिन अली साहब है उनके अंडर में था, फिर मैं बकरीद के टाइम में उसके बाद घर गया था, सॉरी इसमें विंटर वेकेशन में घर जा रहे हैं तो घर में हम लोगों को इत्तला मिल रही है, बात पता चल रही कि हमारा डिपार्टमेंट जो है मोहसिन सर के हाथ से हट गया है, अब कोई और चलाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज था हम लोग कि यार ऐसा कैसे हुआ, तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट अब मोहसिन सर के अंडर में नहीं है, अब हमारे डिपार्टमेंट यहाँ आ चुका है प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर क्या नाम उनका हलीम साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ हम लोग तकरीबन 1.5 साल चला हमारा डिपार्टमेंट। फिर हम लोगों ने उस टाइम भी प्रोटेस्ट किए थे कि हमारा मोहसिन सर को लाया जाए, कि मोहसिन सर के लिए हम लोग उस टाइम ये किए थे, बाद में पता चला कि मोहसिन सर से ही इनका लड़ाई चल रही है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोगों ने मांग करना शुरू किया, तो फिलहाल आप लोग पर्शियन डिपार्टमेंट के अंदर है क्या? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग मांग करना शुरू किया कि भाई हम लोगों को प्रोफेसर मोहसिन अली से हम लोगों को लेना देना नहीं है, वो आपका मैटर है, हम यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं, हमको एक टीचर चाहिए कोई भी हो जो हमको पढ़ा सके, हमारा मांग मोहसिन सर नहीं है, हमारा बस मांग ये है कि हमारे जो टीचर जो हो हमको जिससे अच्छे से पढ़ा सके वो हमको दीजिए आप, तो क्वालिफाइड टीचर्स का डिमांड कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों की और क्या क्या डिमांड्स हैं इस प्रोटेस्ट को लेके? सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हमारा ये कि हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो मतलब खेल खेला जा रहा है, कि अभी तो मतलब बताया कि पहले मोहसिन सर के साथ था, सेकंड ईयर में आए तो क्या नाम उसके साथ हो गया था, हलीम साहब के साथ आ गया था, अभी जो थर्ड ईयर में पहुंचा हूं तो हमारे डिपार्टमेंट जो है क्या नाम उसका अब क्या नाम उनका डीन साहब चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो पर्शियन में भी आप लोग नहीं? पर्शियन में नहीं है, तो डीन साहब के पास आ गया, ये तो बहुत दिन तक खेल चलता रहा कि हमारे डिपार्टमेंट अभी पता चला कि यहाँ पे हलीम साहब के साथ है, हलीम साहब पास आया तो हलीम साहब बोले कि हमारे पास नहीं है, आपका डिपार्टमेंट आईआर चला गया है। अच्छा, अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा वो कर दिया गया डिपार्टमेंट वहाँ पे, तो हम लोग बहुत इधर दौड़ धाप करते रहे, फिर हम लोग जो है फाइनली डीन साहब से हम लोग बातचीत की, तो डीन साहब ने कहा कि नहीं, फिर वो क्या हुआ नहीं हुआ, तो डीन साहब ने कहा कि ठीक है आपका डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से चलाया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी आप हमारे पास आइए। आज हम लोग 2-2.5 महीने हो गए डीन साहब पास जा रहे आ रहे हैं, अब तक हमारे पास कोई टीचर्स नहीं। तो अभी कॉन्क्रीट डिमांड्स आप बताएं वन बाय वन की क्या क्या डिमांड्स हैं? हमारे डिपार्टमेंट सबसे पहला ये है कि हमारे डिपार्टमेंट एक फुल डिपार्टमेंट बनाया जाए। अच्छा। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमको अवेलेबल लाया जाए, और मोहसिन साहब एक है उस जगह पे मतलब मौजूद वो टीचर मौजूद हैं तो उनको लाया जाए, और भी अगर हो तो उनकी जगह जैसे और भी लोग आ रहे हैं तो उनको लाया तो आप जो आ रहे हैं आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? अभी तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि टर्की से टीचर्स आ रहे हैं आपके, वो कुछ लोग मास्टर कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, क्या है नहीं है, तो एक दो टीचर्स आए भी हैं, तो अभी उन लोगों से हम लोग का क्लास नहीं मिला है, एक टीचर आई है पता नहीं कहाँ 2-3 दिन क्लास लिया उन्होंने, उसके बाद वो चली गई है पता नहीं, फिर उनका वीजा सा कुछ प्रॉब्लम था वो हम लोग क्लास ली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। ये मैं पोस्टर से यहाँ पर देख रहा हूँ, कई चीजें लिखी हुई हैं, ये एक पोस्टर है मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आप इसका मतलब बताना चाहेंगे? औरंगजी बिल्ली चौक की आशा, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लीव। अच्छा, स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लीव जी, ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा,